गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वीपी और वीजी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक केस के अंतर्गत वीपी और वीजी के क्या क्या एक्सप्रेशन थे वो सारे हमने फाइंड कर लिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट थे, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। और उन एक्सप्रेशन की सहायता से भी हमने, ठीक है ना, पहले तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर हमने आपके ग्रुप और फेज वेलोसिटी का लिया था उसमें तो हमने ये बताया था किस प्रकार से वो वेव पैकेट की अवधारणा आप समझा रहे हो, लेकिन वो वेव पैकेट की अवधारणा फिजिकली भी सिग्निफाई है या नहीं है उसको हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया, इस आधार पर कि हमने दोनों ही केस के लिए वीपी का मान प्राप्त किया और वीजी का मान प्राप्त किया। तो वीपी के मान में दोनों ही केस में क्या आई, एक प्रकार की असंगति आई। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में क्या मिला आपको, वीपी इक्वल टू वी बाई टू मिला, अर्थात तरंग जो है कण से संबद्ध तरंग पीछे छूट जाएगी अगर आप केवल सिंगल तरंग की अवधारणा लोगे तो वो संभव नहीं। तो और वीजी वहां भी वी आया जो संभव है, हम क्या कह रहे चल रहे थे कि कण का वेग क्या होगा उस तरंग पैकेट के वेग के बराबर होगा। और सेकंड केस हमने रिलेटिविस्टिक लिया था उसमें सी स्क्वायर अपॉन वी यानी सी से ज्यादा आ गया वीपी तो वो भी संभव नहीं, और वहां वीजी वहां भी वी आया। तो वीजी ही आपके फिजिकली उसका सिग्निफिकेंस है, अर्थात कोई भी जो कण होगा उस कण का जो वेग होगा उस कण के वेग को आप उस कण से संबद्ध तरंगों के जो तरंग समूह है जो वेव पैकेट है वह वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से मोशन में होगा या मूव करेगा उसके आधार पर यह समझाओगे, ठीक है। तो वो हो गया। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन वीजी एंड वीपी, वीजी और वीपी में संबंध क्या होता है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो आप आराम से देखिएगा, आपको पता है एक्सप्रेशन होता है वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के एंड वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, ये आप आराम से जानते हो। अब मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू के वी पी, ठीक है। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एज इट इज डी वी पी बाई डी वी पी बाई डी के, ठीक है, प्लस वी पी एज इट इज डी के बाई के का क्या हो जाएगा, सिंपली वन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब मैंने किया क्या है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, इधर ओमेगा और इधर के। अगर आपको इस थोड़ा कंफ्यूजन, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तब तो आपको ये समझ में आ गया, अगर अच्छी नहीं है तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि मैथ्स आप कि किस लेवल तक आपकी प्रिपेयर है, ठीक है ना, लेकिन मैं लेक्चर में यही मान के चलूंगा कि मुझे एकदम हर चीज़ को पूरा बताना है, ठीक है ना, क्योंकि क्लास को सुनने वाले ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनको वो चीज़ें नहीं पता हो, तो मेरा मेन टारगेट वो बच्चे भी रहने वाले हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ मैंने किया क्या है। इसमें मैंने क्या किया है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू के, अब आपको समझ आएगा मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू के। तो ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी के, के एज इट इज डी वी पी बाई डी के और प्लस वी पी एज इट इज के का क्या हो जाएगा, सिंपली वन हो जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है ना, सीज वही थी। तो अब देखिए डी ओमेगा बाई डी के क्या होता है आपका वीजी, तो यहां से वीजी क्या आ गया, वीजी आ गया आपका वीपी प्लस के डी वीपी अपॉन डी के। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको पता होना चाहिए, वीजी इजिकल टू वीपी प्लस के डी वीपी अपॉन डी के। अब आप इसको लेमडा के पद में भी निकाल सकते हो, पी के पद में भी निकाल सकते हो, हम सब निकाल के देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लेमडा के टर्म में देखें, तो देखो आप जानते हो के इजिकल टू क्या होता है, टू पाई बाई लेमडा, तो डी के क्या हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस डी लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका Vg इज इक्वल टू Vp, k की जगह देखो ये माइनस, तो ये फॉर्मूला वाला माइनस आ जाएगा, k की जगह 2 पाई बाई लैम्डा डी वी पी और dk की जगह आएगा 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, तो 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर डी लेमड़ा, तो ये 2 पाई से 2 पाई चला गया, 1 लेमड़ा से 1 लेमड़ा चला गया, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लेमड़ा डी वी पी अपॉन डी लेमड़ा। तो ये किस में आ गया, आपके लेमड़ा के पदों में आ गया, ये आपके किसके पदों में था, के के पदों में था। आप अगर चाहो तो इसको P के पदों में, मोमेंटम के पदों में भी इसका मान निकाल सकते हो, कैसे अभी बता देता हूं मैं, ठीक है ना। आपको पता है P क्या होता है, H क्रॉस K होता है, तो dp क्या हो जाएगा, h क्रॉस dk हो जाएगा। तो देखिए vg इज इक्वल टू vp प्लस k को मैं क्या लिख सकता हूं, k को मैं लिख सकता हूं p अपॉन h क्रॉस dvp और dk क्या हो जाएगा आपका dp अपॉन h क्रॉस, तो h क्रॉस में h क्रॉस चला गया
तो वी जी हो गया आपका वी पी प्लस पी डी वी पी अपॉन डी पी, तो ये इस पदों में भी आ गया। जिस भी पद में आपसे पूछे आप आराम से इसका मान निकाल सकते हो। ये क्या है, वीपी और वीजी के बीच रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा ये जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, आपके इतनी चीज़ें काम की है। अब एक छोटा सा पॉइंट है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, वो आपके बीएससी के एग्ज़ाम में तो हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पूछा जाता है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमें पता है कि कण कोई ना कोई माध्यम में गमन कर रहा है, तो माध्यम आपने नाम सुना होगा डिस्पर्सिव मीडियम और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव का मतलब होता है विक्षेपण माध्यम। अगर माध्यम में कोई तरंग चल रही है तो उसका जो वेग है, अगर माध्यम उसका वेग, वेग का मतलब क्या हो गया, उसमें वेवलेंथ और आपके क्या कह सकते हो फ्रीक्वेंसी, तो वो अगर कण का वेग अगर लैम्ब्डा पर डिपेंड करता है तब तो वो होता है डिस्पर्सिव मीडियम, और अगर लैम्ब्डा पर या के पर डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी तो वो क्या कहलाता है आपका नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, अर्थात उसमें अविक्षेपणीय माध्यम, ठीक है ना। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इफ मीडियम इज नॉन डिस्पर्सिव देन वीजी और वीपी में रिलेशन क्या होगा, ठीक है ना। इफ मीडियम इज डिस्पर्सिव देन वीपी और वीजी में क्या रिलेशन होगा, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मैं भी पूरी लिस्टिंग कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो पहला केस मैं ले रहा हूं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम अविक्षेपणीय माध्यम के लिए, ठीक है ना, अविक्षेपणीय माध्यम के लिए। तो जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है उसका मतलब होता है उसके लिए जो वीपी होता है, वीपी इज इनडिपेंडेंट ऑफ लैम्ब्डा एंड के, अर्थात उसमें जो कला वेग होता है वो आपके तरंग दैर्ध्य या तरंग संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इसके नीचे आप लिख लीजिएगा फॉर दिस वीपी इज इनडिपेंडेंट ऑफ लैम्ब्डा एंड के। इंडिपेंडेंट है तो जब मैं डी वी पी बाई डी लैम्ब्डा करूंगा तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा, निर्भर ही नहीं कर रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में उसका अवकलन क्या आएगा, जीरो आएगा। उसी प्रकार से आपका डी वी पी अपॉन डी के भी क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। तो आपके जो वी जी और वी पी का रिलेशन है, आपको पता है वी पी वी जी का रिलेशन क्या है, वी जी इजिकल टू वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के, एंड दोनों सेम है, ठीक है ना, वी जी इजिकल टू वी पी माइनस लैम्ब्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्ब्डा। तो ये मान भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये मान भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, किसके लिए, डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। तो यहां से सिंपली वी जी इजिकल टू क्या आ गया, वी पी वी जी इजिकल टू वी पी आ गया। तो ऐसे पूछा जाता है कि इफ मीडियम इज नॉन डिस्पर्सिव देन नंबर ऑप्शन एक दे देगा वी जी इजिकल टू वी पी, वी जी इज ग्रेटर देन वी पी, वी जी इजिकल टू वी पी बाई टू, इस प्रकार से तीन चार ऑप्शन होंगे। तो आपको पता चल जाएगा नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए वी जी और वी पी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, अब हम क्या लेते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, बस ये कॉम्पिटिशन एग्जाम आपको एज इट इज ऐसे ही नोट करना है। बी केस होगा डिस्पर्सिव मीडियम। अब डिस्पर्सिव में भी क्या हो सकता है, दो तरह की स्थिति हो सकती है, एक होता है सिंपल डिस्पर्शन और एक होता है एनोमलस, ठीक है ना, सामान्य विक्षेपण और असामान्य विक्षेपण। तो सामान्य विक्षेपण हम पहला केस लेते हैं नॉर्मल डिस्पर्शन, ये क्या अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। पहली बात तो डिस्पर्सिव मीडियम है, इसका मतलब क्या है, इस मीडियम के लिए आप क्या लिखोगे, डी वी पी अपॉन डी लैम्ब्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पर वी पी होगा वो लैम्ब्डा पर डिपेंड करेगा, एंड डी वी पी अपॉन डी के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो आपको केवल इससे पता चल गया कि डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब है कि डी वी पी अपॉन डी लैम्ब्डा एंड डी वी पी अपॉन डी के इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अब इनका मान क्या होगा, ये जीरो से बड़े होंगे, जीरो से कम होंगे, क्या होगा उसका हमें पता चलेगा। हम दो केस लेंगे, एक लेंगे नॉर्मल डिस्पर्सिव और एक लेंगे एनामलस डिस्पर्सन, ठीक है, एक मिनट। तो जो नॉर्मल डिस्पर्सन होता है उसके लिए आपका जो डी वी पी अपॉन डी लैम्ब्डा होता है वो होता है हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। अब अभी आपको सिर्फ ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से याद रख लीजिए, ठीक है ना।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम डिस्पर्सन पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन होता है, वहाँ पर हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से जोड़ेंगे। तो अभी फिर हम टॉपिक से भटक जाएंगे, इसलिए आप सब इतना याद रखिए, याद रह जाएगा आपको। नॉर्मल डिस्पर्सन के लिए डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा पॉजिटिव है तो आपको पता है फॉर्मूला होता है वी जी इजिकल टू वी पी माइनस लैम्बडा डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा। तो ये पॉजिटिव है, लैम्बडा तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो रिजल्टेंट क्या है? माइनस रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव तो रिजल्टेंट क्या रहेगा? माइनस। तो यहां पर क्या हो रहा है, वीपी में से कुछ कम हो रहा है वीजी के लिए। तो इस केस के लिए इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपके क्या हो जाएगा, वीजी इज लेस देन वीपी। ठीक है, वीजी इज लेस देन क्या हो गया, वीपी। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि फॉर नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम वीजी इज लेस देन वीपी, वीजी इज ग्रेटर देन वीपी, वीजी इज इक्वल टू वीपी, या इस प्रकार से। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब दूसरा होता है, मैं यही लिख देता हूं, एनोमलस डिस्पर्सन, असामान्य विक्षेपण। तो उस स्थिति में ये क्या होता है आपका, नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो वीजी क्या हो रहा है, वीपी में कुछ जुड़ रहा है, तो उस केस में वीजी हो जाएगा आपके ग्रेटर देन वीपी। तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। रिकॉल कर देता हूं, मीडियम अगर आपका नॉन डिस्पर्सिव है तो वीजी और वीपी दोनों बराबर होंगे, और अगर आपका मीडियम डिस्पर्सिव है तो उसमें दो केस है, नॉर्मल डिस्पर्सन है तो VG is less than VP होगा, और anomalous dispersion है तो VG is greater than VP होगा। तो ये हमारा पूरा एक छोटा सा टॉपिक था जो मेनली कॉम्पिटिशन के हिसाब से ही था, जिसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। अब जो ग्रुप और फेज वेलोसिटी था, जितना डिटेल में हो सकता था उतना डिटेल मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा जो इसमें रहा होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, दो तीन न्यूमेरिकल जो होंगे वो इस फॉर्मूला बेस हम करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बहुत शॉर्ट लेक्चर होगा, तब क्या होगा, ये पूरा ही टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।